मीरा जी, मैं मथुरा वासी हूँ। दूध, दही, मक्खन और डेयरी प्रोडक्ट बहुत बहुत पसंद है मुझे। जी। आप ये कह रही है तो मेरे ऊपर तो ये एक बिजली गिर रही है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये दूध के बारे में हम साइंस की किताबों में और जनरल स्टडीज में भी हर जगह देखते आए हैं, पौष्टिक आहार में दूध, मछली, अंडे, हरी सब्जी, तरकारी, ग्रेन्स, इनके बारे में बताया जाता है कि पौष्टिक आहार है। तस्वीरों में भी दूध का गिलास हम हर जगह रखा होता है। अब आप उस तस्वीर में से ये गिलास हटा रही हैं, तो इसका क्या साइंटिफिक आधार क्या है? जी, तो सबसे पहले तो भाई मैं आपको एक कहानी एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। जैसे कि अधिकतर अच्छी चीजें ही मेरा मानना है कि मेरे प्यारे भारतवर्ष से जुड़ी होती हैं, तो एक एक्सपेरिमेंट इंडिया में हुआ था और ये एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स थे वो इतने शॉकिंग थे दूध को लेके कि कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, जो अमेरिका की बहुत ही जानी मानी यूनिवर्सिटी है। एक सेकंड भाई, ये बोलने से पहले मैं पूछना चाहूंगी ख्वाजा मोइन भाई से कि मेरे यहाँ ये कि दिखा रहा वॉइस में था। थोड़ा सा प्रॉब्लम है। माइक को आप स्टिल रखिए, ओ सॉरी माइक भाई शायद जी, वो कहीं थोड़ा वॉल्यूम भी बढ़ाती हूँ मैं। घिस रहा है। हाँ अब बेटर है? अच्छा, माइक को स्टिल रखती हूँ, ठीक है। तो मैं ख्वाजा मोइन भाई से पूछना चाहूंगी, इससे पहले मैं और बातें करूं, मेरे एंड पे दिखा रहा है कि ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा है क्योंकि ये स्ट्रीम यार्ड में अभी टेम्परेरी है। तो नहीं, मतलब लाइव हाँ, है यूट्यूब पर, लाइव है हम लोग। नहीं लाइव है यूट्यूब पे, पर बाकी ये बाद में लोग देख नहीं पाएंगे क्योंकि ये रिकॉर्डेड नहीं है, ये रहेगा यूट्यूब पे ये परमानेंट रहेगा यूट्यूब पे, बस। डोंट ठीक है, वरी, ये नहीं जाएगा कहीं। अच्छा ठीक है, चल। अच्छा तो जी, तो ये जो एक्सपेरिमेंट इंडिया में हुआ था भाई, ये एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स दूध को लेके इतने ज्यादा शॉकिंग थे कि कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, जो अमेरिका की वन ऑफ द टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज है, वहाँ के लीडिंग साइंटिस्ट डॉक्टर टी कोलन कैम्बल जो हैं, उन्होंने, सॉरी मेरे बाहर गार्डनर आया तो आप लोगों को थोड़ी सी आवाज आएगी, ज्यादा आवाज आए तो बताना, मैं अपना वॉल्यूम और तेज कर दूंगी यहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। उन्होंने कहा कि जरूर हो ना हो, जो इंडिया के साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करते समय उनसे कोई ना कोई भारी गलती हुई थी। और ज्यादातर ये वेस्टर्न, जहां तक साइंस का अंदाजा है, उनको लगता है हमें को सब कुछ आता है और दूसरे जो देशवासी हैं, स्पेशली जिनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज मानते हैं, वो साइंस में हमसे बहुत पीछे हैं और कुछ भी अच्छा काम, सब अच्छा काम हम ही से होके गुजरता है। आज वो हम्बल हैं, बहुत हम्बल हैं डॉक्टर टी कोलन कैम्बल, पर मानते हैं कि उस समय में उनका यही ख्याल था। और ये सोचते हुए उन्होंने सोचा कि मैं ये एक्सपेरिमेंट दोबारा करूंगा, जो एक्सपेरिमेंट इंडिया में किया। तो एक्सपेरिमेंट क्या था, उन्होंने क्या किया कि दो ग्रुप्स लिए माइस के, चूहों के दो ग्रुप्स लिए माइस के, और दोनों ग्रुप्स जो थे माइस के, मैं एक सेकेंड कुछ और बात करती हूँ, एक्सपेरिमेंट बताने लगूंगी तो बाहर आपको काफी आवाज आ रही होगी भाई, नहीं? हाँ आवाज आ रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये ठीक है, आप जो एक्सपेरिमेंट बताएंगे पूरा तो बहुत साइंटिफिक और टेक्निकल हो जाएगा। मैं एक लेमैन की हैसियत से ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई रिसर्च है साइंटिफिक कम्युनिटी में, क्या वो एक्सेप्टेबल है? क्या उसको रिकॉग्नाइज किया गया? क्या उसको एक्नॉलेज किया गया? उसकी क्या वैलिडिटी है उस रिसर्च पेपर की और उस एक्सपेरिमेंट की? हुआ ये था भाई कि ये डॉक्टर टी कोलन कैम्बल जो हैं, एक देखो साइंस में एक चीज होती है पीयर रिव्यू, तो मतलब जो भी आपने रिसर्च की है, क्या आपके साथ वाले जो हैं, मतलब बाकी डॉक्टर जो हैं, उन्होंने आपकी रिसर्च को देखा और क्या वो एग्री करते हैं आपके रिसर्च से, और अगर वो आपके रिसर्च से एग्री करते हैं तो उसको फिर कहा जाता है पीयर रिव्यूड है, वो होता है एक तरह का गोल्ड स्टैंडर्ड। तो नॉर्मल जो आर्टिकल होता है जिसको किसी पीयर रिव्यू में नहीं डाला गया तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती, पर अगर आपने पीयर रिव्यूड है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो डॉक्टर टी कोलन कैम्बल ने न्यूट्रिशन, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन पे 300 पीयर
पीयर से ज्यादा पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स जो हैं वो पब्लिश किए हैं, और ये वो हैं जिन्होंने अमेरिका में जो फूड पिरामिड का रिकमेंडेशन रहता है, वन ऑफ दोज पीपल हैं जिन्होंने फूड पिरामिड को रिकमेंड किया है। और ये जो फूड पिरामिड को के साथ साथ उन्होंने अमेरिका की जो सेनेट है उसमें कई बार उनको बुलाया गया है न्यूट्रिशन के हवाले से बातचीत करने के लिए और अपने रिकमेंडेशन देने के लिए। तो कहने की बात ये है कि आज की दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, न्यूट्रिशन पे डॉक्टर टी कोलन कैंपबेल से ज्यादा अथॉरिटी न्यूट्रिशन की कोई नहीं है। तो उन्होंने ये कॉर्नेल में ये रिसर्च की। जब उन्होंने ये रिसर्च की तो उन्होंने पाया कि दूध से ज्यादा कैंसर क्रिएट करने वाला कोई केमिकल नहीं है, कोई खाद्य पदार्थ नहीं है। इस जो कैंसर क्रिएट करती है चीज, उसको हम मेडिसिन में एक टर्म देते हैं जिसको कहते हैं कार्सिनोजन। कार्सिनोजन मतलब वो चीज जो कैंसर क्रिएट करे। फिर जो चीज कैंसर क्रिएट करती है उसके कुछ क्राइटेरिया रहते हैं कि वो किन किन पाथवे से, किन किन मैकेनिज्म से कैंसर क्रिएट करती है। और डॉक्टर टी कोलन कैंपबेल ने अपनी रिसर्च में पाया कि जितने भी पाथवेज पॉसिबल हो सकते हैं सब में दूध का हाथ है। और वो आज की दुनिया में क्या करते हैं, उनकी उम्र होगी अभी 80-85 के करीब उम्र है, तो वो कहते हैं कि जैसे जैसे वो रिसर्च करते गए, और रिसर्च में उन्होंने कहा कि कॉर्नेल के में रह के रिसर्च की और फिर NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ से फंडेड रिसर्च की। और वो क्या है, अमेरिका की सरकारी ब्रांच है जो सारी रिसर्च जो टॉप नॉच होती है, जिसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, वहां से रिसर्च की उसकी वो आई। वो कहते हैं कि वो रिसर्च करते गए लेकिन खुल के वो ज्यादा बोल नहीं पाते थे क्योंकि उनको आगे रिसर्च और बढ़ानी थी। और वो कहते हैं कि वो ब्लैकलिस्ट हो जाते और ये बातें फिर निकल के नहीं आती, क्योंकि अमेरिका में फूड जो है, ये जैसे डेयरी हुई, मीट हुआ, एग्स हुए, ये सारी की सारी जो जितनी भी है इकोनॉमी से बहुत ज्यादा बड़ी इकोनॉमिकल चीज है, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बिजनेस है। डेयरी तो अपने आप में एक इंडस्ट्री है, डेयरी इंडस्ट्री बहुत दुनिया में, बिल्कुल। और अमेरिका में प्रॉब्लम ये है भाई, ये जो डेयरी इंडस्ट्री है और मीट इंडस्ट्री, एग इंडस्ट्री है, ये 95% शेयर जो है एक या दो कंपनी के हाथ में, तो एक तरह से समझो तो बादशाह है। अगर वो चाहें तो किसी को भी गिरा सकते हैं, किसी को भी उठा सकते हैं। तो अगर आप रिसर्चर हैं, सीरियस रिसर्चर हैं, वो ओवरनाइट आपको ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं ताकि आपकी पूरी फंडिंग चली जाएगी, आप कुछ नहीं कर सकते। तो डॉक्टर टी कोलन कैंपबेल ने कहा कि मैं ये रिसर्च करके एक निष्कर्ष पे पहुंचना चाहता था, इसलिए मैं चुप रहा कुछ साल। कहता जब मेरे को सब बातें समझ आ गई, मैं इन द मीन टाइम इतना भी चुप नहीं रहा, रिसर्च आर्टिकल्स लिखता रहा, बोल करता रहा, पर ओपन पब्लिक में आके मैंने जैसे यूट्यूब पे आके नहीं बोला, ऐसा नहीं किया। कहते फिर मैं रिटायर हुआ और अब मेरी जिंदगी का मकसद ही ये है कि लोगों तक पहुंचाऊं कि ऐसा मैंने क्या पाया। तो आप मेरा ये देखने के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरी बातों पे विश्वास ना करें, आप यूट्यूब पे जाएं, चाइना स्टडी जैसा कंट्री चाइना है, चाइना स्टडी टाइप करें, डॉक्टर टी कोलन कैंपबेल टाइप करें, मैं वो सब कमेंट्स में डाल दूंगी वो, और उनके देखने शुरू करें वीडियोस। तो उन्होंने क्या पाया, तो उन्होंने ये क्राइटेरिया, तो उन्होंने क्या किया, दुनिया जहान के मेडिकल स्कूल्स और मेडिकल कॉलेजेस में जाके लेक्चर शुरू किया। और वो कहते हैं कि मैं लेक्चर शुरू करने से पहले कार्सिनोजन क्या होता है, क्या क्वालिटीज होती हैं उसकी, वो सारी विस्तार से बताता था, पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री ऐसे करके। फिर मैं अपनी रिसर्च दिखाता था कि मैंने ये रिसर्च किया, वो रिसर्च किया। और कहता है एंड में जो क्वेश्चन आंसर सेशन रहता था उसमें से एक भी क्वेश्चन मेरे को आज तक नहीं आया कि मिल्क कार्सिनोजन कैसे है, ये करके बोला। मेरा रिकॉर्ड है, किसी के दिमाग में एक डाउट आया ही नहीं, मतलब इतना